आमतौर पर जब हम जोड़ों के बारे में बात करते हैं तो घुटनों, कोहनी, हाथों की उंगलियों और एड़ियों के बारे में ही बात करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में कुल 360 जोड़ होते हैं? इन सभी जोड़ों को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है कि क्योंकि इनके द्वारा ही आप अपने रोजमर्रा के तमाम काम कर पाते हैं। चलने, खड़े, झुकने, बैठने, लेटने और चीजों को उठाने और पकड़ने में हम एक साथ कई जोड़ों का प्रयोग करते हैं। उम्र के साथ व्यक्ति के जोड़ कमजोर होते जाते हैं और जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। कई बार कुछ गलतियों के कारण भी जोड़ कमजोर हो जाते हैं या कार्टिलेज घिस जाते हैं, जिसके कारण जोड़ों की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर आप अपने जोड़ों को लंबी उम्र तक स्वस्थ और मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको ये 5 टिप्स अपनाने चाहिए। वजन न बढ़ने दें। मोटे होने पर सिर्फ आपकी कार्यक्षमता पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे आपके जोड़ों पर भी बुरा असर पड़ता है। खड़े होने, बैठने और दूसरे कामों के दौरान आपके शरीर का सारा भार इन जोड़ों पर रही आता है। इसलिए अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आपको जोड़ों में दर्द, सूजन या गठिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए जोड़ों को बुढ़ापे तक स्वस्थ रखना है और इन रोगों से बचना है तो आपको अपना वजन संतुलित रखना चाहिए। सही रखें खानपान। कई बार गलत खानपान के कारण भी जोड़ कमजोर हो जाते हैं या उनमें कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। रिसर्च बताती है कि हाई सैचुरेटेड फैट वाले आहार जैसे मांस और मांस से बनी डिशेज, फुल फैट दूध, केक, बिस्किट, मक्खन और नारियल तेल आदि के ज्यादा सेवन से घुटनों और हिप्स के जोड़ की कार्टिलेज कम जोर होते हैं और डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। रोज थोड़ी देर एक्सरसाइज करें। जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूरी है। आजकल लोगों में 35-40 की उम्र के बाद ही जोड़ों में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर आप रोजाना थोड़ा समय, सिर्फ 30 मिनट निकालकर एक्सरसाइज करें तो आपके जोड़ पूरी उम्र स्वस्थ रहेंगे और उनकी मजबूती बरकरार रहेगी। अगर आप बैठने वाली जॉब करते हैं तो आपको हर एक घंटे में 3-4 मिनट के लिए सीट से उठकर थोड़ा चलना फिरना चाहिए और स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। इससे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और कार्टिलेज खराब नहीं होते हैं। अपना रूटीन बदलते रहें। रोजाना सिर्फ 1-2 तरह की एक्सरसाइज करना काफ़ी नहीं है, इसलिए आप अपनी जीवन शैली और एक्सरसाइज में थोड़े थोड़े समय में बदलाव करते रहें। जैसे कभी एक्सरसाइज के बजाय दौड़ लगाएं, साइकिल चलाएं, स्विमिंग करें, पैदल चलें और सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा एक ही तरह का ना लंबे समय तक खाने के बजाय अपने खाने में भी अलग अलग चीजें शामिल करें, जैसे सभी तरह की रंगीन फल और सब्जियां, नट्स और अनाज आदि। शरीर का पोश्चर हमेशा सही रखें। जोड़ों से संबंधित ज्यादातर समस्याओं का कारण गलत बॉडी पोश्चर होता है। हम में से ज्यादातर लोग खड़े होने के दौरान आगे की तरफ झुके होते हैं, बैठन के दौरान पैर हिलाते हैं, उल्टी सीधी पोजीशन में बैठते हैं या गलत तरीके से सोते हैं। ये सभी आदतें धीरे धीरे आपकी हड्डियों और जोड़ों को कमजोर बनाती हैं। जोड़ों को स्वस्थ रखने के लिए आपको हर समय अपने बॉडी पोस्चर को सही रखना चाहिए, जैसे खड़े होते समय रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, बैठते समय पैर सीधे रखें और लाए नहीं, सोते समय पेट के बल न सोएं और खेल कूद के दौरान सावधानी बरतें।